सो है गाइज लिट्स शेयर अगेन और आई थिंक आप लोग अब सब नॉर्मल लाइफ में आप लोग टॉर्मेंट कर चुके हो कल का पेपर भूल के बेसिकली भूलने वाला पेपर है भी नहीं क्योंकि जो इन्होंने कल काम किया भाई बहुत बुरा काम किया है बहुतों के साथ इन्होंने भावनाओं से, से खेला है सो so, गाइज़ कोई दिक्कत नहीं है जब वो उनके हिसाब से जैसा होगा वो देखेंगे और आप लोग अभी भी इंतजार कर कर रहे हैं जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिनका एंट्रेंस है और वो अभी भी इनके टेस्ट इनका इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की आए तो गाइज़ मैं एक बार बता देता हूँ कि आंसर की दोनों साथ में देखिएगा और मुझे भी ये लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब पेपर हो जाएगा इसके बाद में दोनों आंसर की साथ में निकालेंगे क्योंकि तो एन के पास बहुत काम है अभी उन्होंने कल एडमिट कार्ड निकाला है अब जे एन यू पेपर ख़त्म हुआ तो इसमें उनको बी एच भी निकालना होगा कुछ दिन बाद बी का पेपर भी है तो वो अगर आपके लिए भी सही है कि जब दोनों का पेपर हो जाए दोनों का आंसर की मैच करिएगा बिकॉज आंसर कीज में भी वो दो तीन क्वेश्चन अपने आप से ही उसमें गलत दे देते हैं आंसर उसके गलत दे देते हैं क्योंकि आप लोग पैनिक हो ठीक है और आप लोग क्या करो क्वेश्चन की डिमांड करो ठीक है आप लोग चैलेंज करो आंसर की चैलेंज करो आप जिससे क्या हो उनका उनको हज़ार रुपये एन ट्री है हज़ार रुपया लेता है भाई ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है नेशनल तमाशा एजेंसी तक के बन गई है केवल केवल इसको पैसे से मतलब है एक हज़ार रुपये वैल्यू होती है भाई जब आप आंसर की चैलेंज करते हैं सो so गाइस बढ़ते हैं कल हमने चौदह क्वेश्चन आपको बताए थे छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं मुझे तो कल मेरी वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए हैं कमेंट्स भी आए हैं लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो वहाँ से पता चला कि केवल केवल पॉलिटिकल साइंस में ट्रेंड नहीं बदला था इन्होंने इन्होंने सब पे ट्रेंड बदला है इवन हिंदी का भी इन्होंने बदल दिया है इंग्लिश का जिसका एम ए इंग्लिश था कल उसका भी बदल दिया है सब लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं और एक लड़की ने कमेंट किया था भाई बिल्कुल मेरे सच में एक इमोशनल कमेंट कर दिया उसने बुरा लगा मुझे बहुत बुरा लगा उसने बोला कि सर शब्द आपके हैं भावनाएँ हमारी हैं तो मुझे मतलब थला दिमाग नहीं काम कर रहा हो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है बट मैं आप लोगों के लिए आया हूँ तो गाय क्वेश्चन आया था एक कल कैमरा ऑब्सक्यूरा से जो ऑब्सक्यूरा होता है कैमरा ऑब्सक्यूरा बेसिकली में जो जर्मन भाषा में अगर हम बोलें तो इसे जर्मन और फ्रेंच दोनों अडॉप्ट करते हैं इस भाषा का होता है कि एक डार्क रूम एक अंधेरे वाला रूम हो तो इसमें जो मार्क्स की आइडियोलॉजी कल पूछी थी कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है इसके अकॉर्डिंग तो वो रेस और रेसिज्म की बात करते थे मतलब कि जो कहते थे कि जो प्रॉब्लम आ रही है जो रिलेशनशिप चल रही है सोशल क्लास में जे एक के पास क्या है इस्टेब्लिश ए पावर और दूसरे के पास है कि दूसरे ऑपरे आप, ऑपरेस्ड हैं और जो ऑपरेस्ड हैं वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि वो खुश हैं तो इसी को हटाने के लिए रेस और रेसिज्म को हटाने के लिए ये जो बुक लिखी गई कैमरा अब पता नहीं ऑप्शनल ऑप्शन क्या था ऑप्शन को वॉकैब चेंज कर देते हैं आ, ये आंसर तो यही था फिलहाल वॉकएफ जो भी होगी आप कमेंट करिएगा नीचे क्या जो सही करके आए हैं वो बताएंगे लेकिन इनका बेसिकली रेस एंड ही था जो प्रॉब्लम थी एक रिलेशन सोशल क्लास में जो एक ऑपरेस्ट क्लास थे और एक जो कैपिटलिस्ट क्लास थे जिनके हाथ में पावर थी लेकिन जो ऑपरेस्ट थे वो अपना दुख नहीं बता पा रहे थे वो झूठ बोल रहे थे कि वो खुश हैं यही बात होती थी अगली चीज है तो क्या होता है फ्रॉम अलाइन Labor to commodity fetishism. अब पे क्या होता है कि जो लेबर जिनको जो group होते वहां से लेके वोटिव पे आ जाते हैं तो अलाइनेशन लेबर और commodity fetishism जो होता है, वो एक पार्थवे होता है जब सरप्लस वैल्यूट होती है द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ एनीथिंग अकॉर्डिंग टू कार्स इज डिटर लेबर इम्बुडाइट ठीक है जो ह्यूमन लेबर इमोडाइड होते हैं जो एक पाथ होता है जो बीच में लाई करता है सरप्लस वैल्यू के और अलाइनेशन के तो अगर इसमें सरप्लस वैल्यू का ऑप्शन कहीं होगा या अलाइनेशन का भी ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या था ऑप्शन बताइएगा कॉन्सेप्ट पूरा यही है, सेम कॉन्सेप्ट है इसके अलावा कुछ नहीं होगा यही सेम कॉन्सेप्ट है तो उनका हो गया होगा जिन्होंने ये बात दिमाग में रखी होगी कि जो एक्सचेंज वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की कालमार्स के अनुसार वो डिटरमाइन होती है अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर इमोडेट ठीक है नेक्स्ट था इम्पेच इम्पीचमेंट ऑफ वेर हेस्टिंग्स इसमें सबको बहुत दिक्कतें आ रही किसी ने मैकॉले मिनट में लगा के आए हैं कोई विलियम बेंटिक लगा के आया है ठीक है लेकिन जो मेन इसका आंसर होगा वो वेरन हेस्टिंग होगा आपको यही समझ जाना चाहिए अगर आप इम्पीचमेंट अगर बर्क ने किया है तो बर्क का डेट मैंने कल चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था और बेसिकली हुआ क्या था जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था इंडिया में तो यहाँ पे वेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था तो 1787 और 1795 के पीरियड में क्या हुआ था इनको एक्यूज़ किया गया था मिसकंडक्ट जब उनका टाइम चल रहा था कलकटा में तो वहाँ पर इनको एक्यूज ऑफ मिसकंडक्ट ड्यूरिंग हिस टाइम इन कलकटा को कर गया था और जो मिसमैनेजमेंट और पर्सनल करप्शन इनके ऊपर आए थे उसके लिए इनको कोर्ट में बुलाया गया था बेसिकली जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है हाउस ऑफ कॉमन्स होती है तो वहाँ पे इम्पीच कैसे होता है जैसे हमारे यहाँ होता है तो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बल्क वहाँ के मेंबर नहीं थे होता क्या है कि उनके यहाँ पे अभी भी उनकी जो सीट्स होती हैं कुछ चर्चेस के पोप्स के लिए रहती हैं चर्चेस के लिए रहती हैं कुछ सीटें वहाँ से आइडियलिस्टिक थिंकर्स के लिए रहती हैं और हम लोग क्लर्गरी के लिए रहती हैं कुछ नॉवेल्स के लिए रहती हैं तो वैसे ही बर्ग भी उनको इम्पीच किया गया था बर्ग ने उनको इम्पीच किया था तो बर्ग से रिलेटेड वर हेस्टिंग है जिसने वर हेस्टिंग किया है वो बिल्कुल सही है ठीक है मैक मिनट नहीं होगा उनका डेट मिला लेते ना आप ठीक है अब कल आया था कि जो एम पी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स का एंटी डिफेक्शन होता है जो उनको सरवाइव करवा जाता है वो किसके अनुसार से होता है तो स्पीकर ऑफ हाउस होता है सीधा और प्रेसिडेंट से इससे मतलब ही नहीं होता वो स्पीकर ऑफ हाउस ही देता है उनको रिटर्न कर देता है और जब तक रिटर्न नहीं कर देता जब तक एंट्री डिफेक्शन लॉ की रिपोर्ट नहीं आ जाती है जब तक तो उनको हाउस में एंट्री नहीं देती है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर एम में बात हो रही तो स्पीकर ऑफ द हाउस इसको डिपेट कर सकता है ठीक है एक क्वेश्चन आया था अन्ना एडेंट का बेनल्टी ऑफ एविल मैन इन जेरेस्लम तो कल मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी तो मैंने इस बुक के बारे में शायद बताया था या लिखा था तो ये क्या थी एक रिपोर्ट थी जो बेनल्टी ऑफ एविल एविल जो एक बुक थी जो नाइनटीन बुक में उन्होंने लिखा था तो हुआ क्या था बेसिकली अब ये इचमैन था कौन एडोल्फ इचमैन जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र था होलो कॉस्ट का होलो कॉस्ट मतलब कि जो विनाश हुआ था उस समय पे जर्मनी में कि वो सबको मार मार के वहाँ से भगा रहा था इसी के बीच में अन्ना एलिडेंट भी वहाँ से फ्लैट होकर जर्मनी आ गई थी जर्मनी से फ्लैट हो गई थी वहाँ पे ठीक है सॉरी जर्मनी से वहाँ पे फ्लैट हो गई थी ठीक है तो ये जो ऑर्गेनाइज़र थे इसको एडोल्फ़ इचमैन बोलते हैं इसको हम लोग सीधे क्या बोलते हैं नाजी वार ऑफ़ क्रिमिनल इसको हम लोग क्या बोलते हैं नाजी वार ऑफ़ क्रिमिनल ये नाजी वार ऑफ़ क्रिमिनल था और इसका मतलब कि जब इस पहली बार सॉरी गाइस पहली बार इसराइल ने क्या किया था मोसाद को कम्प्लीट किया था इसका ऑपरेशन करने के लिए इसको वहाँ से पकड़ के लाने के लिए तो जो एडोल्ट इशमैन था ये बेसिकली क्या था एक हायर ऑफिशियल था उस समय जर्मनी में नाजी जर्मनी में तो जो इशमैन की कोल्ड टेस्टिमोनी हुई थी वो टेस्टिमोनी किसके ऊपर हुई थी वो अन्ना एरेडेंट ने दिया था तो अन्ना एरेडेंट ने उस समय टेस्टमोनी मतलब होती है ना कि आदमी जो गवाह होता है जो उसके खिलाफ बोलता है या गवाह जो होता है तो अन्ना एरेडेंट वहाँ पे उन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेशन वहाँ पे बताया इसमैन के बारे में कि ये लोगों को गलत लेसन बताता है ये कहता है कि हम इमिन कान से इबाइड हैं जो उनकी कैटागोल इम्पेटिव की जो थेरीज थी कैटरियल इम्पेटिव आप सब जानते ही होंगे तो जो गोल्डन रूल था वो प्रिंसिपल था रेसोक्रेटली इम्प्लीट करता है कैटागोियल इम्पेटिव में तो वो चीज़ ये फॉलो करता था इसने फॉल्स स्टेटमेंट बताए थे इम्नुल कैंत के बारे में अम्नुल कान के बारे में तो मैंने बताया ना इसमैन एक हाई ऑफिशियल था जर्मनी का जो स्टेट ऑफ इसराइल ने इसको हैंड कर दिया था इसको सजाए मौत दे दी थी फांसी भी चढ़ा दिया था तो होलोकास्ट मतलब होता है डेंजर और विनाश करना जो जो इन्होंने जूस के ऊपर जो विनाश इसने किया था वहाँ से इसराइल ने इसको पकड़ के यहाँ जेरूसलम तब ईस्ट ऑफ वेस्ट जेरूसलम था तो थोड़ा पार्ट इसराइल के हाथ में था तो इसराइल में ही इसके ऊपर टेस्टोमोनी हुई थी तो उसमें अन्ना एडेंड ने पार्ट लिया था तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है ठीक है नाजी वॉर क्रिमिनल था यह इचमैन ठीक है और बुक्स भी उन्होंने लिखी है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी इसके खिलाफ उसने बुक लिखी है अगर एक क्वेश्चन आया था निकोमेशन एथिक्स का क्वेश्चन आया था तो मैं बता सकता हूँ उसमें फ्रेंडशिप वाला ऑप्शन था वो नहीं था बिकॉज क्या है उसमें वर्च्यू भी दिया हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ था तो हर चीज़ जो थी वो थ्योरी ऑफ जस्टिस और वर्च्यू से ही रिप्रेजेंट करती थी तो वहाँ पर जो और ऑप्शन थे आई थिंक आई गेस कि एक जो ऑप्शन था वहाँ पर जिसका नाम होता है फ्रेंडशिप वाला वो नहीं था क्योंकि होता ये है कि निकोमेशन एथिक्स को उन्होंने एपिस्ट्रीम बताया था ठीक है जिसको उन्होंने ट्रू नॉलेज बताया था ट्रू वर्च्यू को बोला था ट्रू नॉलेज होता है तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था नेकोमेशन एथिक्स का एक एग्जाम्पल इससे ही आपको हो जाना था अगर आप ये पढ़ के गए होंगे नेकोमेशन एथिक्स में एक चीज़ होती है गोल्डन मीन गोल्डन मीन में क्या होता है कि जो ट्रू नॉलेज होता है जो वर्च्यू होता है इस लाइज बिटवीन द एक्सट्रीमिट पाथ ऑफ टू एक्स्ट्रीमिट्स ठीक है दो पाथ के बीच में वर्च्यू लाई करता है अगर हम थोड़ा यहाँ से गिरेंगे या थोड़ा यहाँ हो गए तो हमारे अंदर वाइसेस आ गए मतलब हमारे अंदर दोष आ गए हम बोल देंगे ना कि हमारे पास ये दोष है अगर हम ज़्यादा दिमागी हैं तो हम ठीक हैं लेकिन अगर थोड़ा कम है तो हमारे अंदर दोष है दिमाग का दोष है हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास वाइसेस है तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो करेज होता है वो लाइक करता है बिटवीन द टू एक्सट्रीमिट्स ऑफ कोआरनेस एंड रैशनेस थोड़ा अगर आप करेज हो गए करेज बनोगे तो कहेंगे नहीं कि तुम तो बहुत करेज हो तुम बहुत से आगे बढ़ रहे हो बहुत ब्रेविय ब्रेव हो तुम बहुत साहसी हो लेकिन तुम जब आगे बढ़ रहे हो तो साहसी बनने के चक्कर में हम लोग कोवाडनेस में आ जाते हैं हम लोग रैशनेस में हो जाते हैं हम लोग ये तो कायर हो जाते हैं या तो हम जल्दी भी रहते हैं तो ये दोनों चीज़ ख़राब है ये वैसेस हो गया दोष हो गया दोनों कोवाडनेस और रैशनेस तो जिसने किया है भाई साहब उसका सही है जिसने वहाँ पर फ्रेंडशिप वाला ऑप्शन लगा दिया है कि ये जो इनकोमेशन एथिक्स नहीं थी उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ठीक है और फ्रेंडशिप हो भी नहीं सकता था क्योंकि अरिस्टोटल डिसाइडेड दैट कि ड्यूरिंग द आर ऑफ द बर्थ इट हैड बीन डिसाइडेड देन हु विल गोइंग टू बिकम मास्टर्स किंग और हु गोइंग टू बिकम स्लेव तो यहां पे पैट्र सोसाइटी में क्या होता ना सोसाइटी में एक फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्वेश्चन जो आया था 315, 323 आर्टिकल में पब्लिक सर्विस कमीशन में तो मैं बताना चाहता हूं कि जो इनको कन्फ्यूजन थी दोनों ऑप्शन में 315 में क्या होता है जो जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो स्टेट एंड यूनियन दोनों के लिए बताई गई है और जो तीन होता है वो रिपोर्ट्स होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की ठीक है तो ये जो कन्फ्यूजन है वो कर लीजिएगा आई गेस की तीन ऑप्शन ही जो सही करके आया है वो सही है अब रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज बता रहे थे किस अमेंडमेंट में आता है जो इक्कीस से अट्ठारह कर दी गई थी तो वो बेसिकली सिक्सटी अमेंडमेंट में आता है जो नाइनटीन एटी नाइन में आया तो जिसने किया वो सही है अब स्ट्रेचरी बॉडी पूछा था तो इलेक्शन कमीशन जो है वो स्ट्रेचरी बॉडी नहीं है पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ठीक है तो होता क्या है बेसिकली स्टेचरीज बॉडीज कहते हैं किसे हैं जो कमीशन बनाई जाती हैं ह्यूमन वेलफेयर स्कीम के लिए लाइक नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन जो होता है या नेशनल कमीशन ऑफ ब्लैक बैकवर्ड क्लासेस होता है या नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज होती है ठीक है रिसोर्स के कमीशन जो होती हैं ये सब कमीशन एक्चुअली में क्या होती हैं स्ट्रेचरीज होती हैं ठीक है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फुली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक तरफ पूछा था कि राज्यसभा में जो वोटिंग सिस्टम होता है तो उसमें पूछा जाए राज्यसभा टू वोटिंग सिस्टम मतलब कि राज्यसभा में जो हो रहा है राज्यसभा के द्वारा जो हो रहा है जो राज्यसभा से आगे पब्लिकेशन्स होते हैं उसमें कौन सी वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल सिस्टम फॉलो किया जाता है ये नहीं पूछा था कि राज्यसभा का मेंबर है वो कैसे इलेक्ट होकर राज्यसभा जाता है ना आज के अंदर की बात हो रही है विद इन द राज्यसभा तो वो एस होता है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोटिंग होती है हर जगह होती है तो जिसने एस किया है प्रोपोशनल सिस्टम में उसका सही है ठीक है गाइज नेक्स्ट मूव ऑन टू अब इतने क्वेश्चन उसे मिले हैं और कोई आगे भेजना चाहता तो भेज सकता है बेसिकली एक प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का क्वेश्चन था तो उसमें सीधा सीधा और सीधा और जस्टिस की बात की थी रिपब्लिक जो पढ़ के गया होगा उसने पूरा सा कर दिया था क्वेश्चन आप सही से भेजिएगा तो आज हमने ट्वेंटी फोर क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए हैं आई गेस शाम तक मैं पूरे हंड्रेड आपको बता दूँ क्योंकि धीरे धीरे आते हैं होता क्या है ना कि कुछ लोग बहुत दिमागी होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो रफ सीट मिलती है वो तो जमा हो जाती है वहाँ पे तो कुछ लोग क्या करते हैं ना तीन घंटे का टाइम होता है तो डोर से ढाई घंटे में वो पेपर हो जाता हो अब इसलिए कल जल्दी हो गया होगा क्योंकि पेपर टफ था तो आदमी को इतना सोचना नहीं पड़ रहा होगा तो हुआ क्या था कि सोचना नहीं पड़ रहा होगा इन सेंस कि आदमी अपने ऊपर कल कॉन्फिडेंस ही नहीं था जो लगा रहा था उसी में वो आगे बढ़ा चला जा रहा था कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हुआ है तो गाइज़ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है तो बहुत से लोग दिमागी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड पे शायद लिख के आए थे तो पता नहीं शायद एडमिट कार्ड भी जमा हो जाता है बट कुछ इंस्ट्रक्शन वाला पीछे जो कोविड इंस्ट्रक्शन था बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए वो मिल गया था आई गेस तो लोगों ने वहाँ पर लिख के चले आए तो वो छोटे छोटे करते 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 चौबीस पच्चीस क्वेश्चन उन्होंने लिख के आए हैं तो उन्होंने मुझसे बताया और एक यूट्यूब पर कमेंट किया था उन्होंने उनका भी क्वेश्चन काफ़ी मैच हुआ उन्होंने भी कम से कम बीस से जिस क्वेश्चन बताए सो आई अप्रिशिएट यू मैम बट कुछ डेक्गेशन है कि आपने ऐसे ही कुछ बोला है पॉलियार की कुछ बोली है कुछ ऐसा बोला तो समझ में नहीं आया है रोल्स का जस्टिस समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रही हो तो एक बार फिर से कमेंट करके पूरा प्रॉपर वे में लिख दीजिए कि क्वेश्चन एक्चुअली में थे आ गया क्योंकि मैं अगर फालतू की चीज़ें बनाने लगूंगा जैसे पॉलीआर के दो मीनिंग होते हैं तो फालतू की चीज़ें बनाने लगूंगा तो आदमी और डर जाएगा मैं किसी को डराने नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं आगे जो बताने आया हूँ आज काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आई थिंक कल उनका पेपर है आई आर एल एम और पी आई एस एम का जिससे हम लोग आई आर एम कहते हैं एरिया स्टडीज़ कहते हैं और स्पेशलाइजेशन कहते हैं पी आई एस एम को तो गैस होता क्या है दोनों में पाँच पाँच रिलाम फॉलो किए जाते हैं लाइक सोशोलॉजी लाइक पॉलिटिकल साइंस लाइक आई आर लाइक हिस्ट्री लाइक रिक्वायर्ड तो इसमें होता क्या है लाइक इकोनॉमिक सॉरी तो इसमें होता क्या है बेसिकली जो आई आर एम होता है उसमें क्वेश्चन टी टी लेवल एक्सरसाइजेज और इंडियन फॉरन पॉलिसी पर पूछते हैं मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था कि इस बार का सबसे बढ़िया जो टॉपिक करंट में लग रहा है बेसिकली ये सब बातें जो है पॉल एम को देखते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि इतना इतना ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी हुई है वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा ज़्यादा घटनाएं घटी हैं लेकिन एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया भाई तुम स्लम एलियास पूछ रहे हो यार जो कोई नहीं पढ़ता वो पढ़ता वो है जो कब का पढ़ चुका है कब का बंद कर दिया भाई कोई प्रोफेसर पेपर लिखने नहीं आ रहा था तो प्रोफेशनल पेपर नहीं दे रहा था स्टूडेंट्स पेपर पेपर दे रहे थे जैसे कमर पाउंड उन्होंने किया है भाई साहब बहुत ही बुरा बहुत ही बुरे से बुरा पेपर था बहुत ही बुरा था तो आई गेस कि आप सेटल हो अपनी रियल लाइफ में और डेली यूनिवर्सिटी की तरफ देखिए जब तक डेली यूनिवर्सिटी नहीं हो जाता टेंशन नहीं लेनी है ठीक है तो पांच इसमें नाम होते हैं सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस आईआर हिस्ट्री और इकॉनॉमिक्स ट्री टी लेवल एक्सरसाइजे और तो आइए फॉरन पॉलिसी क्वेश्चन आते हैं पी में क्या होता है पैसेज एम सी क्यू कर देते हैं यहाँ पर पैसेज नहीं होते हैं यहाँ पर पैसेज एम ऐड कर देते हैं इकोनॉमिक्स में जैसे क्वेश्चन आता था जैसे आ सकता है फ्लोटिंग एंड फिट एक्सचेंज रेट क्या होता है उसके हिसाब से मैं तो बेसिकली ये लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी से पूछते ही हैं कोई इकोनॉमिक्स से नहीं पूछते हैं और जो पी में होता है होता क्या है पी जो 2020 का क्वेश्चन उसमें 26 एम थे 20 मैच थे 20 पैसेज थे तेरह स्टेट एंड स्टेट पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन थे इंडियन स्टेट पे क्वेश्चन थे और दस क्वेश्चन थे एसेशन रीजन के ठीक है इस बार एसेशन रीज़न तो पॉल में भाई आया ही नहीं पिछली बार पाँच छह एसेशन रीज़न आए थे और बहुत अच्छा पेपर था पिछली बार का पेपर सबसे बेस्ट है जिसने पिछली बार पेपर निकाल लिया भाई सबसे ज्यादा लकी है वो अगला था वर्ल्ड हिस्ट्री आई इंडियन हिस्ट्री इन कॉनलिज्म इंडियन पॉलिटी कोल्ड वॉर वर्ल्ड जियोग्रफी एंड सोशोलॉजी सोशोलॉजी में बेसिकली मैंने तीन चीज़ रट रट के बता रहा हूँ वेबर गांधी मार्क्स ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं ये बात ध्यान लीजिएगा और इकोनॉमिक्स में बेसिकली पॉलिटिकल इकॉनॉमिक पूछते हैं दोनों इलाम में पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड रिफॉर्म्स नाइनटीन का जो इकोनॉमिक ट्राइस इंडिया में हुआ था जब मनमोहन सिंह आए थे मनमोहन सिंह जब वहाँ बने हुए थे तब उन्होंने उसको ड्रिस्क्राइब किया था तो मैं जो मैंने आपको कल एक उस दिन एक टॉपिक पढ़ाया था आपको शायद वो वीडियो याद होगी मैंने आपको एक आई के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था चाइनीज़ जियो पॉलिटिक्स वाटर ग्लोबल पावर स्टेटस एंड टेरिटोरियल डेप्थ जो मैंने बताया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो मैंने बताया था और को ये देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने बता दिया था स्कीम 17 कंट्रीज़ कनेक्ट थी एशिया यूरोप अफ्रीका वाया न्यू सिल्क रोड एन एस आर इसकी मैंने कल आपको बात जो बात बताई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पैरा प्रूफ सकते हैं मैंने कहा था और यहाँ पे आईलैंड जो मैंने कल वहाँ पर वहाँ पे मैंने जो डाइवर्सन में बताया था इंडिया में गलवान वैली का स्ट्रक्चर बताया था स्लोक रिवर बताई थी श्लॉक रिवर बताई थी शमशान वैली बताई थी और वाटर ट्रिटी बताई थी कि माइक्रोचिप्स बनाने के लिए इनको थर्टी सेंटीमीटर ऑफ सिलिकॉन वाटर की जरूरत होती है टेन थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर एम्बुलेंस होता है तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा आज शायद एक दिन बचा है पेपर का कल शायद सबका पेपर है सो इस बहुत दिक्कतें होंगी आप कुछ ना करिए अगर जिसके पास टाइम है जिसके पास नॉर्मल की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है या या इंटरनेशनल रिलेशन में हागुड है या स्मिथ है तो आप में थे तो आपको कुछ नहीं करना है आपने क्या देखना है वहाँ पे छोटे छोटे इंडेक्स होते हैं इंडेक्स के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन लिख के आता है एंड एंड्रू हैवुड में आप जब पी डी एफ खोलोगे या जिसके पास बुक्स है वो खोलेगा तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है तो वो कॉन्सेप्ट जो, जो होते हैं छोटे छोटे ना जो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही रैंकल होते हैं जो पुराने चीफ एक्सप्लेनेशन हैं और जो करेंट में हो रहे हैं उस छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग पढ़ते जाइए और सबसे बड़ी चीज़ एन की साइट पर जाइए एन ने एक पेपर लॉन्च है हर पेपर के लिए शायद पॉल एम के लिए पेपर लॉन्च करता है तो एन खुद से एक वो आपको सैंपल पेपर बना के देता है तो एन का सैंपल पेपर सॉल्व करिए आज के ठीक है गाइस आज का भी उन्नीस का भी अट्ठारह की मुझे लग रहा है एन का सैंपल पेपर शायद थोड़ा पॉजिटिव वे में कर लिया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जैसा कि क्वेश्चन आया था रॉल्स पर आया था जो जस्टिस आया था उनका जस्टिस एज फेयरनेस पे एक क्वेश्चन आया था और जस्टिस एज फेयरनेस को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिस्टिंक्टिव और एक्टिव में उन्होंने क्या कर दिया था लेबर से कर दिया था मतलब भाई साहब इतना बड़ा बवाल इतना बड़ा चूतियापा मैंने आज तक नहीं देखा रोल्स की जो कंजर्प्रिकेशन था कि भैया उनकी डिस्टिंगटिव जस्टिस को तीनों बार बांट दो है ना इसके बाद एक एक लेबर के फोर्सेस पर लगा दो लेबर का क्या रिएक्शन रहेगा लेबर को क्या करना है भाई डिस्टिंगटिव रजेंट पे क्या होता है मेजरमेंट क्या होगा इकोनॉमिक डिविशन उसने पूछ लिया था तो ना कि ये ना इसमें रॉल्स आई नहीं रॉल्स इसमें मिला भी नहीं पिछली बार से रॉल्स था नहीं दो में जब रॉल्स आया था उन्नीस में रॉल्स आया था तो इस बुक से आया था ठीक है तो रॉल्स में इतना इसमें भी नहीं दिया हुआ जो उन्होंने कल रेक्टिफिकेशंस और जस्टिस एंड फेयरनेस बता दिया क्वेश्चन मिल गया मैं पूरा बताऊँगा क्वेश्चन का मिल पाएगा कि कि किसी को याद होगा तो भाई क्वेश्चन बता देना ठीक है इसके बाद क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ था जब मैं शुरू जब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था जे की तो हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बना था तो मैंने एक बुक दी थी कंटेम्परेरी पोलिटिकल कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की जो जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी शायद मैंने दी थी जिन्होंने फॉलो की है हिमांशु शायद है हिमांशु को मैंने दिया था हिमांशु बोला भैया जो आपने बुक दी थी चार पाँच लोग हैं जिनका इस बार पक्का लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा पेपर सही हुआ है मेरा। so guys, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे दिमाग से भी उतर गई मैंने कहा कि यार अठारह में नहीं पूछा बीस में नहीं पूछा तो यार इक्कीस में ये कहा पूछ लेंगे लेकिन वो किताब कंटेप्रेरी पॉलिटिकल किताब थी भाई उसमें इंडेक्स ही पूरा इसमें आ गया था क्योंकि मुझे लगा था ना कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि रॉज का विल क्लिमिका के ऊपर जो बास्केटबॉल प्लेयर उन्होंने बताया था वो टॉपिक में ही था इंडेक्स में ही था और कल भी यही क्वेश्चन आ गए उसी से इंडेक्स सो गाइज अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी इन्होंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है डेली यूनिवर्सिटी के लिए ध्यान दीजिए और कोई दिक्कत होगी डेल्ही यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग तो मुझे पिंक करिएगा थैंक यू सो मच गाइज ठीक है Best of luck for your IRLM and PISM.